बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वेजिटेबल समोसा की रेसिपी लेके आया हूँ। इसकी फिलिंग के अंदर किस तरह से जादू जगाया जा सकता है, कैसे खुशबुएँ लाई जा सकती हैं, टेस्ट कैसे आता है, कौन सी स्पेशल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपको नहीं बताई जाती, सभी बातें मैं तफसील से आज आपको बताऊंगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम कुकिंग ऑयल के लेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे जाएगी, लहसुन 3 से 4 जवे बिल्कुल बारीक चॉप्ड। ये वो चीज़ है कि अगर स्टार्ट में आप इसको ऐड कर दें तो इसकी खुशबू अलग ही एक मज़ा देती है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है, ठीक है। और अगली चीज़, इसमें ज़ीरा जाएगी 1 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, इनकी खुशबू एक्टिवेट करेंगे और ये वो चीज़ है जो हर वेजिटेबल के टेस्ट को डबल बढ़ा देगी। और अगर आपने ये 2-3 चीज़ें आज सीख ली ना, तो दुनिया की कोई भी आपने फीलिंग बनानी हो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, लो से फ्लेम के ऊपर पकानी है इसको, आपने बिल्कुल जलने नहीं देना वरना आपकी पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अब चल देंगे वेजिटेबल्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास गाजर है, 3 से 4 टेबलस्पून जाएगी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। और अगली चीज़ है हमारे पास, जो भी वेजिटेबल्स हैं लेते हैं, बंद गोभी बहुत अच्छी लगती है समोसे की फिलिंग में, ये भी 4 से 5 टेबलस्पून जाएगी। और साथ साथ हम मिक्सिंग करते जाते हैं और वेजिटेबल्स ऐड करते जाते हैं। प्याज है बिल्कुल बारीक चॉप। अच्छा, इस रेसिपी को आपने ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है, हल्का सा जब हम जस्ट इसको सौते करेंगे। ये है शिमला मिर्च, जैसे कि मेरी हर रेसिपी में ऐड होती है बिल्कुल थोड़ी सी, 3 से 4 टेबलस्पून। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, और मसालों को लेके भी कुछ इंशाल्लाह स्पेशल करेंगे। चलें जी, यहाँ पे देखें कलर कम्बिनेशन माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हो चुका है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और अगली चीज़ जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी 1 टीस्पून ही जाएगी। और अगली चीज़ है हमारे पास यहाँ पे कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये 1 टीस्पून जाएगा। और हल्दी 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें। ज़ीरा हम पहले स्टार्ट में ऐड कर चुके हैं। तो ये है काली मिर्च 1/4 टीस्पून, जस्ट काफ़ी होगी इसके अंदर। और ये है चिकन पाउडर 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऐड कर दें खुशबू के लिए। 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा। और ये है हमारे पास चिल्ली सॉस 1 टेबलस्पून, फ्लेम बिल्कुल लो है नीचे, याद रखिएगा। और ये है सिरका 1 टेबलस्पून, यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो था। अब आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। देखें, आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं वरना हलवा सा बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। सब्जियों का हल्का सा क्रंच रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप कलर कम्बिनेशन देखें, आपको पता है एक एक चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है जब आप शेफ़ होते हैं। तो आपने सिर्फ टेस्ट को नहीं देखना होता, खूबसूरती को भी देखना होता है, प्रेजेंटेशन को भी देखना होता है, नए आइडियाज़ को भी देखना होता है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड नहीं कर रहे, ठीक है, वो आगे जाके ऐड करेंगे। क्यों आगे जाके ऐड करेंगे मैं आपको तब बताऊँगा, अभी तक आप ये देखें कि मेरे अल्लाह की शान कितना खूबसूरत इसका कलर है। चलें जी, खूबसूरत सी प्लेट में इसको निकाल लेंगे ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो सके, ये थोड़ी सी ठंडी हो सके, क्योंकि अगली चीज़ें जो इसमें जाएंगी वो हाई टेम्परेचर के अंदर ऐड नहीं की जाती होती, ठीक है। प्लेट के अंदर हम इसको फैला देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फीलिंग, और बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकें। चलिए जी, 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। उसके बाद एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, कलर कम्बिनेशन माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। तो खूबसूरती के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया करें, ये बहुत अहम होता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा मायोनीज 2 से 3 टेबलस्पून। पहले ऐड करते तो ये मेल्ट हो जानी थी, पिघल जानी थी, ख़राब हो जानी थी। और यहीं पे इसमें केचप ऐड करूंगा, बहुत शानदार फ्लेवर देगा फिलिंग के अंदर ही, मतलब आपको अलग से केचप लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर इसका एक खट्टा मीठा सा टेस्ट होगा। अभी भी कुछ मसाले बाकी हैं जो ऐड करने वाले हैं ना, तो इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड की और ना 2-3 और चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ऐड करते हुए देख लीजिएगा। चलें जी, यहाँ पे है हमारे पास बहुत ही खुशबूदार पुदीना, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद ना ऐड करें। धनिया है बहुत ही खुशबूदार, 2-2, 3-3 टेबलस्पून ये चीज़ें जाएंगी जस्ट। और ये है हरी मिर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आपने कभी भी मिस नहीं करना। कच्चा इन चीज़ों को मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि इनकी जो खुशबुएँ होती हैं वो बरकरार रह सकें। अगर आप पकाते हुए इनको ऐड करेंगे तो इनकी खुशबुएँ मध्यम हो जाती हैं। तो ये बेसिक्स होती हैं कुकिंग की, इनको आप अच्छे से समझ लिया करें। चलें जी, अब लही बना लेते हैं
पट्टी को जोड़ने के लिए 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून हम मैदा ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो लेई बन गई 1 सेकंड के अंदर। अब समोसे को किस तरह से फोल्ड करना है, किस तरह से रोल करना है ये सीख लेते हैं। बहुत आसान है, ये देखें, एक कोने को आपने इस तरह से 45 के एंगल के ऊपर आपने लेके जाना है और यहाँ पे आपने इस लेई को लगा देना है। इस पट्टी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ये किस तरह से घर पे बनाते हैं। जस्ट 100 रुपये में आप कह लें कि हज़ारों पट्टियाँ बन जाती हैं। ये देखें पॉकेट बन चुकी है इसकी बहुत आसानी के साथ, और साइड पर अभी हमने नई लेई लगाई, वो आगे लगाएंगे जाके। ये देखें फिलिंग ऐड करें दिल खोल के, पूरे बड़े दिल के साथ, और उसके बाद यहाँ पे हम इसको इस तरह से बंद करेंगे, ठीक है, टाइटली। अब इसके ऊपर भी हम दोनों साइड पे लेई को लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, जुड़ जाए। और आपने ये काम देखें टाइटली करना है, ठीक है, सॉफ्टली नहीं करना, वरना इसके अंदर एयर आ जाएगी और वो ढीला ढीला जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइट होना चाहिए इसको, ठीक हो गया। चलें जी, ये तैयार है। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई कर लेंगे, और अहम बात ये कि ज़्यादा आपने इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे, काले हो जाएंगे, खूबसूरत रेड कलर नहीं आएगा, ठीक है। पलटने का तरीका देख लें, कोशिश किया करें सबसे आसान तरीकों को आप अडॉप्ट करें ताकि आपका हाथ ना जले, आपको ऑयल के जो है छींटे ना पड़े। रेड कलर जब तक आएगा, देखिए फ्लेम कितना नॉर्मल है। फाइनल प्लेट में डालते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथ में, हमारे खाने में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट, और इजाज़त अंसारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।